चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, न्यू जो क्रेट आ रहा है अल्टीमेट सेट का, उसके साथ न्यू क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, पूरा का पूरा लुक भी इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं न्यू अल्टीमेट का जो फर्स्ट टाइम पे आ रहा है। ठीक है, जो 27 पे हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर बात की जाए एक और SLR का अपग्रेडेबल स्किन भी आ रहा है गेम के अंदर, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। मगर उससे पहले एक और चीज़ भी, वो भी ज़रा देख लेते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे भी लाजमी से फॉलो कर देना। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर लाजमी से एक वीडियो आएगी भाई, एक नहीं दो टाइटल जो मिलते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी एक दो साल पहले, अभी कुछ ज़्यादा ही बंदे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि भाई ये लाइफ लॉन्ग लर्नर वाला है और एक जो है ना ये स्पेशल ट्रेनर वाला है। अब ये दो अचीवमेंट है या फिर ये दोनों टाइटल हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इनमें से एक जो है ना अचीवमेंट के अंदर होता है और एक जो है ना डायरेक्टली टीम अप के अंदर होता है। तो अब इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी। ठीक है, तो अब मैं यही वीडियो अपलोड करने वाला था तो बीच में से लीक्स आ गए। तो चलो भाई सबसे पहले लीक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारे इतरी रोल पास का पहला वाला अल्टीमेट है ना, वो ये होने वाला है। तो अब इसके अंदर न्यू जो चीज़ें इन्होंने डाली वो भी चेकआउट कर लेते। तो ये भाई थोड़ा सा जहर लग रहा है, मगर चपरी टाक के आजकल आ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है भाई। अब इसके अगर बात की जाए, एक जो है ना ये वाला अल्टीमेट हो गया, मेल फीमेल दोनों भी चेकआउट कर लेंगे। तो अब एक सिंपल सा है, मतलब इसके अंदर जो बिजली वाला लाइटिंग है ना वो बेस्ट है भाई। इसके अंदर जो है ना वही एक चीज़ है भाई जो सही लग रहा है सही में। और मज़े की बात यह है भाई, अल्टीमेट शूज़ भी आने लगे। वाह, पिछली बार आए थे A2 के पहले वाले अल्टीमेट के साथ ग्लासेस आए थे, ठीक है, इस बार जो है ना शूज़ तक आ गए। तो अब ये वाले शूज़ भी हमें देखने को मिल जाएंगे। खैर, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से ओल्ड आइटम्स भी हमें इस क्रेट के अंदर देखने को मिल जाए, नो आइडिया। वो जो है ना बात की बात है, अगर मुझे कुछ आता पता चलता है तो इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ लाजमी से शेयर करूंगा। तो अब इसका लुक कैसा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो अब मेल फीमेल दोनों इधर देख सकती हो। वैसे मेल वाला जो है ना ये जहर लग रहा है भाई, सही में मेल वाला जो है ना ये जहर लग रहा है। इसका हेयर स्टाइल है भाई, बॉडी शॉडी सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है भाई, तो अब जो दूसरा वाला A2 का आया था वो सही है या फिर ये कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। मतलब जो A2 रॉयल पास का दूसरा वाला था वो भी कुछ इस टाइप का था, मतलब उसका भी बॉडी शॉडी सब कुछ सही था। और ये भी है, ये जो है ना ये इत्र का पहला वाला अल्टीमेट हो गया। और मज़े की बात एक और भी है, ये JCBGMI का आ जाएगा भाई इत्र रॉयल पास, उसका भी पहला वाला अल्टीमेट यही होगा। ठीक है, तो अब रिलीज डेट वगैरह उसका नो आइडिया। अब ये जो है ना ये इसका एंट्री इमोट है, जैसे ही तुम टीम के अंदर, मतलब तुम टीम में जाते हो किसी और की टीम में या फिर कोई और बंदा आपकी टीम में आता है ना, उसके सामने ये चीज़ शो होता है। ठीक है, अगर तुम किसी और की टीम में जाते हो फिर जो है ना ये चीज़ शो हो जाएगा। तो अब ये जो है ना इसका एंट्री इमोट हो गया, एंट्री इमोट भी इसका बेस्ट लुकिंग है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसका जो अपना इमोट ही, इधर देखो, वैसे सब चीज़ों में से मुझे इमोट कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, मगर ये वाला इमोट भाई लाजमी से निकालेंगे पहले दिन पे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला भाई इमोट एकदम जहर है। अगर स्क्वाड के साथ हो जाए ना भाई मज़ा आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए, एक जो है ना बैकपैक है Level 1 and Level 2, अरे भाई 15 Pro Max अभी तक नहीं आया, इसके पीछे इन्होंने इतनी बड़ी कैमरा जो लगाई है। और फिर उसके बाद ये हो गया Level 3, एक जो है ना ये वाला बैकपैक का स्किन हमें देखने को मिल जाएगा। और हवर बोर्ड की अगर बात की जाए, इस सेट के साथ बिल्कुल मैचिंग है, वैसे मुझे कुछ खास नहीं लगा। खैर, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे नॉर्मल भाई, नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल ही है, वो तो जाहिर सी बात है, क्या नॉर्मल है, मगर इस सेट के साथ बिल्कुल मैचिंग है यही वाला। अगर सेट की बात की जाए ना, सेट के साथ ये बिल्कुल मैचिंग है यही वाला ओवर बोर्ड। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, एक जो है ना ये Kar98 का स्किन हमें देखने को मिलता है। बंदी तो यूज़ नहीं करते, हो सकता है कि इसके बाद बंदी यूज़ करना स्टार्ट करे, क्योंकि Kar98 जो है ना भाई एकदम जहर टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो भाई, अरे भाई वैसे ये चीज़ सही है यार। फिर उसके बाद लूट क्रेट है। खैर, ये सारे के सारे चीज़ें इंशाल्लाह लैब में भी देखेंगे। और इसका ओन हिट इफेक्ट भी जैसा कि आया था M4 के साथ, ठीक वैसा ये भी होगा। और इसके साथ ग्रेनेड का स्किन भी हमें देखने को मिल जाएगा, अगर तुम उसको लेवल अप करते हो, ये भी तुम्हारा ऑलरेडी लेवल अप होगा। ठीक है, ये ग्रेनेड का स्किन भी है। और एक जो है ना प्रेम है, अगर तुम सारे के सारे चीज़ें निकालते हो फिर तुम्हें देखने को मिलता है इन दोनों में से कोई एक आइटम, एक चीज़ याद रखना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, एक जो है ना अवतार हो गया और एक जो है ना प्रेम। तो अब आते हैं इधर जो है ना Kar98 का स्किन है, एक ये वाला, वैसे बेस्ट है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए,
स्पेशल इफेक्ट, एनिमिनेशन का स्पेशल इफेक्ट भी सही है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए एडवांस प्रो, थोड़ा सा ही चेंज हमें देखने को मिलेगा, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, मतलब एडवांस प्रो जो है ना इतनी ही होती है भाई, ये भी थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और कार ऑरिएंटेड केस है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट की, मतलब जो मेन चीज़ होता है, अब इधर देखो भाई पूरी की पूरी बिजली है इसके अंदर, इसके एलिमिनेशन में पूरी की पूरी बिजली है। वैसे यूज़ करने का तो बंदे का दिल नहीं करेगा क्योंकि इसका डैमेज क्या, फिर भी बंदे शायद यूज़ करेंगे क्योंकि कार ऑरिएंटेड कुछ ऐसा ही है। फिर उसके बाद ऑन हिट इफेक्ट हो गया, और इसका फाइनल प्रोम जो है ना, फाइनल प्रोम तो भाई नेक्स्ट लेवल इन्होंने बनाया, ये वाला हमें फाइनल प्रोम देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद लूट क्रेट, वो तो ऑलरेडी हमने देखा भी है, फिर भी चेकआउट कर लेते हैं। खैर ये वाला कार 98 बेस्ट है, या फिर जो पिछली बार आया था M24 का स्किन जो मैंने निकाला भी था वो बेस्ट है। इन दोनों में से कोई एक आइटम लाजमी से चूज़ कर लेना, ठीक है भाई। और ये जो है ना इसका दूसरा हो गया जो इमोट होता है, ओके स्पॉन इमोट जो होता है, और ये जो है ना इसका लूट क्रेट है। इसका लूट क्रेट भी बेस्ट है यार, जो M24 आया था उसका भी बेस्ट था, उसका भी थोड़ा सा कूल लग रहा है ना, ये भी सही है। और इसके साथ जो है ना वो ग्रेनेड भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो नीचे तुम देख रहे हो। फिर उसके बाद अगर बात की जाए ये जो है ना ये सारे के सारे इसके अटैचमेंट से जो हमें देखने को मिल जाएंगे। वैसे स्पोजर के साथ भाई बड़ा मजा किया है इन्होंने, मतलब बेस्ट लग रहा है यार, और होलो वगैरह सब कुछ है, जो अटैचमेंट्स हमारे पास आते हैं ना वो सब कुछ तुम्हें इधर देखने को मिल जाएंगे। और तो इसके साथ दो चीज़ों का भाई होना लाजमी, एक जो है ना 4X हो गया और एक जो है ना 8X हो गया। अब इधर देखो भाई एटेक्स के साथ बिल्कुल जहर, बिल्कुल जहर। और ये जो है ना अटैचमेंट फिनिश, ओके। वैसे इस टाइप का अगर भाई पूरा का पूरा मिल जाए ना एक साथ, पैसे बंदा ना लगाए ना, तब भी मजा आता है। इसे तो मजा नहीं आता भाई क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लगते हैं कुछ ज्यादा ही। अब इसकी चीजें तुम इधर देख सकते हो सारे के सारे। अब इधर देखो कि भाई कौन कौन से आइटम इसके अंदर भाग रहे या फिर घूम रहे, क्या सीन है। पूरा का पूरा लुक जो है ना तुम इधर चेकआउट कर सकते हो, हर एक जगह अलग अलग। खैर ये चीज़ भी बेस्ट है, क्लोज रेंज में देखो कि भाई इसके साथ कौन सी कमी आई है या फिर कौन सी भाई इजाफा हो चुका है इसके अंदर। पूरा का पूरा सीन जो है ना इसका 98 के साथ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये रही अल्टीमेट की पूरी कहानी A to Z, पहले से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा कार 98 तुम्हें कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो अब आते हैं एक और चीज़ जो SLR का स्किन है हमें लकी क्रेट के अंदर देखने को मिलेगा, वो जो है ना कुछ इस टाइप का होगा। और इसका भी पहले से लेकर आखिर तक डेवलप कैसे होना है या फिर कैसे हमें देखने को मिल सकता है वो सारा का सारा भी इधर चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना बेसिक होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन जो स्पेशल इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना एडवांस प्रोम होगा, एडवांस प्रोम पे ये कुछ खास नहीं होता है, मगर इसका फाइनल प्रोम जो है ना वो एकदम जहर लग रहा है। वैसे इधर जो है ना थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है, इतना कुछ खास नहीं है। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, इसका नॉर्मल है, इपिक गन होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इपिक गन के जो है ना कुछ इस टाइप के एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना ये इसका होगा फाइनल प्रोम। तो अब फाइनल प्रोम पे भाई मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला क्योंकि भाई SLR है और SLR के साथ इतना मेहनत जो इन्होंने किया ये एक हिसाब से बेस्ट है। तो ये भाई साहब हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। इस बंदे का वो वाला टाइटल कंप्लीट नहीं था कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, इंशाल्लाह कि उसके ऊपर वीडियो आएगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो ना तो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पर आने हो तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।